सितंबर से खुलेंगे स्कूल। 15 अगस्त को गाइडलाइन जारी कर दी जाएगी। हफ्ते में सिर्फ 3 दिन ही लगेंगे। चरणबद्ध तरीके से खोले जाएंगे स्कूल। हाय फ्रेंड्स, मैं आरती, ऑनलाइन प्रिपरेशन विद आरती में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आइए, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सितंबर से स्कूल खुलेंगे, सबसे पहले किस क्लास को जो है स्कूलों में बुलाया जाएगा, कितने दिन स्कूल लगेंगे और भी बहुत कुछ देखेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि नहीं किया है तो, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। चलिए देख लेते हैं वीडियो। तो फ्रेंड्स, बिग ब्रेकिंग न्यूज ये है कि सितंबर से देश भर में खोले जा सकते हैं स्कूल। 15 अगस्त के बाद कभी भी ऐलान सेफ्टी मतलब ऐलान हो सकता है और यहाँ पे सेफ्टी गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य होगा। और सबसे पहले जो है 10वीं और 12वीं के बच्चों को पहले बुलाया जाएगा। चलिए आइए पूरी इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि कोरोना संक्रमण के चलते मार्च से बंद पड़े स्कूलों को सितंबर से खोला जा सकता है। अभी जो प्रस्तावित योजना है उसमें 10वीं और 12वीं के बच्चों को पहले बुलाया जाएगा, जिन्हें रोटेशन के अनुसार हफ्ते में 2 से 3 दिन ही स्कूल आना होगा। जैसे जैसे संक्रमण की स्थिति सामान्य होगी वैसे वैसे बाकी कक्षाओं के छात्रों को भी बुलाने का फैसला लिया जाएगा। स्कूलों को खोलने का यह ऐलान 15 अगस्त के बाद हो सकता है। वैसे भी जिस तरीके से सुरक्षा मानकों के तहत सार्वजनिक बसों का संचालन, बाजार, मंदिर को आम लोगों के लिए खोला गया है, उसमें स्कूल को खोलने को लेकर के भी दबाव बढ़ने लगा है। इसे लेकर निजी स्कूल सबसे ज्यादा सक्रिय हैं और सक्रिय होना जरूरी भी है। इनका मानना है कि बच्चों की पढ़ाई पूरी तरह से ऑनलाइन नहीं कराई जा सकती, खासकर ऐसे बच्चे जिनकी बोर्ड की परीक्षाएं अगले कुछ महीनों के बाद होने वाली हैं। ऐसे में उन्हें बगैर क्लासरूम और लैब तक लाएं उनकी पढ़ाई अधूरी ही रहेगी। इनके साथ ही सारे बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई तक पहुंच भी नहीं है। मंत्रालय से जुड़े सूत्रों के मुताबिक मौजूदा समय में जब सब कुछ खुल गया है तो स्कूल को भी सेफ्टी गाइडलाइन के साथ शुरू किया जा सकता है, इसमें कोई परहेज नहीं है। इसे लेकर स्कूल की जवाबदेही भी तय की जाए ताकि कोई भी सेफ्टी गाइडलाइन का उल्लंघन ना कर सके। स्कूलों के लिए सेफ्टी गाइडलाइन NCERT ने तैयार की है और इसमें बच्चों के बीच की दूरी 2 गज रखने, मास्क लगाने, हाथ को साबुन से साफ रखने, क्लास को हर दिन सैनिटाइज करने, असेंबली आयोजित नहीं करने, हाथ धुले और बगैर बच्चों को कुछ भी नहीं खाने को लेकर जागरूक करने आदि पर सुझाव दिए गए हैं। यहाँ पे और भी कहा गया है कि ब्रिटेन में अगले महीने से खुल रहे स्कूल बच्चों को भेजना होगा जरूरी। स्कूलों के खोलने को लेकर यह हलचल इसलिए भी शुरू हुई है क्योंकि अब दुनिया भर में स्कूलों को खोला जा रहा है। हाल ही में इंग्लैंड ने भी इसे लेकर अहम फैसला लिया है जिसके तहत अगले महीने से वहां के सभी स्कूलें खुल जाएंगे। तो ये एक तरह से बिग ब्रेकिंग न्यूज है कि सितंबर से जो है स्कूलें खुल जाएंगी और सबसे पहले सितंबर से 11th एंड 12th वालों को जो है, सॉरी 10वीं और 12वीं वालों को पहले बुलाया जाएगा क्योंकि इनके बोर्ड एग्जाम्स हैं और हाफ ईयरली एग्जाम्स भी इनके जो होते हैं नवंबर अक्टूबर में होते हैं। इस वजह से भी और जो साइंस स्टूडेंट्स होते हैं और प्रैक्टिकल लैब वगैरह के भी काम होते हैं तो वहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम ना आए। फिलहाल अगर हम यहाँ पे बात करते हैं प्राइमरी नर्सरी प्ले की तो आप इसको अक्टूबर से नवंबर से समझ लीजिए, नवंबर तक में ही होगा। अगर हम बात करते हैं 5th से ऊपर की स्कूल की तो आप इसको अक्टूबर या 20 सितंबर के बाद यदि हालात अच्छे हो जाते हैं तो जो है हो सकता है इन लोगों के लिए भी स्कूल खोल दी जाए। लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट ये है कि जो स्कूल अभी खुलेगी वो रोटेशन के अनुसार होगी, यानी कि हफ्ते में 2 से 3 दिन ही स्कूल आना होगा, यानी कम बच्चों को ही बुलाया जाएगा। स्कूल तो खोल दी जाएगी, स्कूल में पूरा सेफ्टी पालन होगा, सेफ्टी गाइडलाइन का जो है वो अपनाया जाएगा। लेकिन जब बात आ जाती है ट्रेवल की, कम्युनिकेशन, यातायात की, ट्रैफिक की, इन सभी चीज़ों की, ट्रांसपोर्ट की, उसका क्या होगा, बच्चे कैसे स्कूल तक पहुंचेंगे, तो यहाँ पे रिस्पांसिबिलिटी पूरी पेरेंट्स की आती है बच्चों को स्कूल तक छोड़ने, वहाँ से लाने की। फिर स्कूल में मैनेजमेंट गेट के पास कैसे होगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। बिल देखते हैं आगे क्या होता है। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, बाय।